नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंद्रशी और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। वक्त सचमुच किसी का नहीं होता और सियासत में वक्त का बेहद महत्व होता है। वक्त बीता तो खेल खत्म। जी हां, बीजेपी अध्यक्ष नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का आज विधिवत राजतिलक हुआ। सतीश पूनिया ने पदभार ग्रहण करने से पहले कन्या पूजन किया और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाली। लेकिन आज के इस कार्यक्रम से कहीं ज्यादा चर्चा बीजेपी मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की हो रही थी और इसकी वजह थी कि आज के इस राजकोषीय कार्यक्रम में वसुंधरा राजे ही नहीं पहुंची। आखिर इसके पीछे वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो आईने की तरह साफ है कि वसुंधरा की सियासी तलवार में अब वो धार नहीं रही। राजस्थान बीजेपी में एक दौर वो भी था जब बगैर वसुंधरा राजे बीजेपी में पत्ता नहीं हिला करता था। वसुंधरा ही राजस्थान बीजेपी की पर्याय बन चुकी थी, लेकिन वक्त का पहिया कुछ यूं घूमा कि वसुंधरा अब सियासी गर्दिश में चली गई। अब आइए सियासी किस्से की एक परत और खोलते हैं और आपको बताते हैं कि वसुंधरा आखिर क्यों सतीश पूनिया की ताजपोशी में नदारद रही। दरअसल वसुंधरा राजे की अमित शाह और मोदी से पुरानी अदावत है जो आज भी बदस्तूर जारी है। वहीं आरपीएल संयोजक हनुमान बेनीवाल और वसुंधरा राजे का 36 का आंकड़ा भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी इन दिनों हनुमान बेनीवाल को खासा तवज्जो दे रही है और अभी हाल ही में दो सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी बीजेपी और बेनीवाल का गठबंधन हुआ है, जो बात वसुंधरा राजे को खासा नागवार गुजरी। खैर, सियासी पंडितों का इस बारे में कहना है कि वसुंधरा राजे मोदी और शाह से सीधा मुकाबला करना अभी और भी महंगा पड़ेगा। इसी के साथ आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार।